ये फाइनल राउंड का मतदान कल होने वाला है। इससे पहले चुनाव आयोग ने जनता से दूसरे दौर के मतदान में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। दरअसल पहले दौर में कम मतदान के बाद यह अपील खासतौर पर की गई और इस बीच पीएम मोदी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गांधीनगर पहुंच चुके हैं। यूं तो चुनाव आयोग हर मतदाता से उसकी शक्ति याद दिलाने के लिए हर तरह से अपील करता है, लेकिन गुजरात चुनाव में पहले दौर के कम हुए मतदान के बाद चुनाव आयोग ने गुजरात की जनता से 5 तारीख को होने वाले दूसरे दौर के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की है। गुजरात चुनाव आयोग ने खास तौर से शहरी मतदाताओं से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है तमाम अर्बन एरिया में रहता मतदारों ने, प्लीज बाकी काम थोड़ा समय बाकी मुकिन है, पहले मतदान। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। करवा मत आइए अने लोकशाही ना आ अवसर पर भागीदारी थे। लोकतंत्र के महापर्व में जनता की भागीदारी सबसे अहम हो जाती है। ऐसे में चुनाव आयोग की अपील पर जनता क्या कहती है वो भी जानिए। 2022 अपनी पार्टी को चुनने का अवसर है, तो सब जाके वोट कीजिए, क्योंकि इससे ही हमारा देश का तंत्र चलता है। भी है मतदान जरूरी है, तो पहले मतदान करो फिर जलपान करो। आपको बता दें, गुजरात में 1 दिसंबर को हुए 89 सीटों के पहले दौर के मतदान में पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग यानी करीब 63% वोटिंग हुई थी। गुजरात के सूरत, राजकोट और जामनगर में औसत से भी कम मतदान हुआ। शहरी इलाकों में कम हुआ है, ऐसी सीटों पे कम हुआ जहां बीजेपी को शायद परेशानी हो सकती है, और इसीलिए यही माना जा रहा कि थोड़ा सा ये अंदरूनी मामला भी है, चुनाव पे उसका असर भी हो रहा है। पहले दौर में वोटिंग की भरपाई के लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर्स से बड़ी संख्या में घर से निकलकर संवैधानिक दायित्व निभाने की अपील की है। पहले दौर में वोटिंग कम, अब चुनाव आयोग ने दूसरे दौर के मतदान से पहले जनता से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करे। शहरी उदासीनता की वजह से वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब चुनाव आयोग ने गुजरात के मतदाताओं से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोट का इस्तेमाल करें। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक गुजरात में 5 तारीख को होने वाली वोटिंग में 61 दल चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिनके 833 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गुजरात में दूसरे दौर के मतदान के लिए 2,51,58,730 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,26,501 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,22,31,335 है। चुनाव आयोग ने 26,409 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें 37,432 बैलेट यूनिट, 36,157 कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट 40,066 भी शामिल हैं। मतदान कर्मचारियों की संख्या इस बार 1,13,325 है। दूसरे फेज में बड़े चेहरों में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल चुनाव मैदान में हैं, तो कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी, बीजेपी के हार्दिक पटेल, शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह, कांग्रेस के चंदन ठाकुर, बीजेपी के ऋषिकेश भाई पटेल, आपके महेंद्र राजपूत, बीजेपी के अल्पेश ठाकुर और पायलबेन कुकरानी चुनाव मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के गयासुद्दीन भी चुनावी समर में उतर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात में 2017 चुनाव के वोटिंग परसेंट से ज्यादा वोटिंग तभी हो पाएगी जब लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलकर दूसरे चरण में मतदान में हिस्सा लें। अहमदाबाद से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।